उत्तराखंड की लोक संस्कृति में बुरांस के फूलों का काफी महत्व है। ये तन और मन को तो ताजगी भर देते हैं, साथ ही बुरांस के फूल और पेड़ आर्थिक दृष्टि से भी काफी महत्व है। इनके फूलों से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। बुरांस का शरबत और जूस काफी लोकप्रिय है, जिसके पीने से हमारे शरीर की थकावट दूर होती है और मन को ताजगी का एहसास होता है। बुरांस के फूलों से कई शीतल पेय बनाए जाते हैं, जिनकी बाजार में मांग है और यह युवाओं के लिए भी रोजगार का साधन हो सकता है। तो वहीं बुरांस के फूल पत्ते छाल और जड़ों में कई औषधीय तत्व भी पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती हम लोगों के सामने आ गई है कि जिस प्रकार से पहाड़ों में बुरांस के वृक्ष होते थे, आजकल तो उसमें देखा होगा आपने फूल भी आ रहे हैं उसमें, और ये हृदय के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उसके आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी बहुत उपयोगिता है। इसका बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, ये आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। कहीं ऐसा ना हो इसी तरीके से अगर दोहन होता रहे तो हमको बुरांस भविष्य में देखने को ना मिले और एक हम इस तरीके की औषधि को हम खो दें। बुरांस के वृक्षों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों का अवैध कटान कर रहे हैं। वन विभाग और कृषि विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं देता। राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त बुरांस के पेड़ को लेकर सरकार की गंभीरता इससे भी साबित होती है कि चीड़, हेड़ा, बहेड़ा, सहतूत आदि वृक्षों के रोपण के लिए तो कई अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, लेकिन बुरांस के फूलों के लिए कोई भी प्रोजेक्ट सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा। अगर सरकार का इसी तरह का रवैया बुरांस के वृक्षों के प्रति रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आने वाली भावी पीढ़ी केवल इसके बारे में गीतों में ही सुन सकेंगे। विशेष करके स्त्रियों को होने वाले श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर दोनों में ही लाभदायक था। धात्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस चीज का इसका बहुत से प्रयोग किया जाता है और जिससे कि श्वेत प्रदर में बहुत अच्छा व्यक्तियों का आराम होता है। ये जलने पर कटने पर इसके पुष्पों का या पत्रों का प्रयोग किया जा सकता है और इसके लेप के रूप में और चाहे पेय के रूप में इस चीज़ को प्रयोग करने से बहुत अच्छा आराम होता है और ये हमारे लिए आयुर्वेद के लिए हमारे पूरे देश के लिए पहचान बन सकता है। अब हम इसका अच्छी तरह से संरक्षण करें, इसके औषधीय रूप में प्रयोग करें और चाहे इसको एक सौंदर्य के रूप में प्रयोग करें, सौंदर्य प्रसाधनों में इसका बहुत से प्रयोग हो रहा है। प्रदेश में सरकारी स्तर पर कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें वन संपदा को बचाने का प्रयास भी राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन राज्य वृक्ष और बेस कीमती गुणों वाले बुरांस को बचाने की दिशा में कोई भी कारगर कदम सरकार की ओर से उठाता नजर नहीं आता, जिस पर शासन प्रशासन को समय रहते विचार करने की जरूरत है। धरती सजी